मैं जुलेखा अरफा जुलेखा किचन से, आप लोग सब कैसे हैं? मैं अल्लाह के करम से और आप लोगों की दुआएं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज मैं क्या बना रही हूँ, मैं हमेशा भूल जाती हूँ मैं आज क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ मुंबई स्ट्रीट स्टाइल टोस्टेड सैंडविच। अच्छा, टोस्टर मेरे पास है नहीं, मेरे पास है लेकिन काफी लोगों के पास टोस्टर होता नहीं है, मेरे पास पीछे रखा है आप देख सकते हैं। मेरे पास है लेकिन मेरा बोलने का मतलब है काफी लोगों के पास होता नहीं है। तो ऐसे इसमें हम कैसे बनाएंगे सैंडविच, तो हम पैन के अंदर बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने थोड़ी सी सब्जियां काट ली है, वो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या डाल रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये चटनी, जैसे आप देख सकते हो भैया जी के पास चटनी जो होती है इतनी स्पाइसी वाली, उतनी स्पाइसी नहीं बनाई हूँ बट ये बनाई हूँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही, सो दैट थोड़े से इसके जो इंग्रेडिएंट्स है एक दूसरे में जाए, इन्फ्यूज हो और बेहतर टेस्ट आए। कुछ देर बाद खाते तो थोड़ा बेटर टेस्ट आता है ना, तो बस मैं इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। ये देख लीजिए अभी आप कि किस तरीके से ये मैंने चटनी बनाई है, क्विकली वो देख लीजिए, उसके बाद हम क्विकली शुरू करेंगे वेज सैंडविच। बढ़िया सा ये है एक मीडियम साइज की जूड़ी कोथमीर की या हरा धनिया कहिए उसकी, मैंने 2-3 पानी से धो लिया, नितार कर ये पतीली में डाल दिया था। अच्छा, एकदम अच्छे से नितार कर इसको मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए। वैसे मीडियम साइज की जूड़ी थी और ये जो कांडियां जो डंडियां आप देख रहे हैं ना ये काउली हैं, तो इसके लिए मैंने डाली है, बहुत मोटी हो तो मत इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें डाल दीजिए 12-13 कड़ी पत्ते, ये देखिए धो के डालिएगा। 3-4 हरी मिर्चियां, मैं 4 डाल रही हूँ लेकिन आप 6-8-10 डाल सकते हैं क्योंकि स्पाइसी बाहर तो वो लोग स्पाइसी देते हैं तो चटनी स्पाइसी होती है, तो बट मैं 4 डाल रही हूँ। उसके बाद 6-7 कली लहसुन की डाल दीजिए, इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल दीजिए या स्वाद अनुसार डाल दीजिए नमक। इसके साथ साथ चुटकी भर या थोड़ा सा 1/4 चम्मच चाट मसाला डाल दीजिए और 1 टेबल स्पून चना दाल डाल दीजिए। आप चाहें तो 3-4 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ी देर उसे पानी में भिगा कर रख सकते हैं, उसके बाद में डालिएगा और हल्का सा 1/4 कप पानी डालकर इसे बहुत अच्छा बारीक पीस लीजिए। हल्का ऐसा लगे पानी डालने जैसा तो डालिएगा लेकिन बहुत कम पानी में, मैं तो आपको एडवाइस करूंगी इसे पीसिएगा। और हाँ, चना दाल को थोड़ा सा समय लगेगा तो आपको थोड़ा समय लगेगा ये चटनी को पीसने के लिए, और अगर आप भिगा के रखते हो चना दाल को तो नहीं लगेगा समय। अच्छा, अभी मैं सारे को एक कांच की शीशी में निकाल कर साइड पर रख देती हूँ, तो ये बन गई हमारी चटनी सैंडविच के ऊपर लगाने की। वैसे ये जो चना दाल हम डालते हैं ना वो इसके लिए डाल रहे हैं क्योंकि वो जो पानी छूटता है ना वो नहीं छूटेगा, चना दाल सारा सोक कर लेगा, और हम ना ही पुदीना इस वाली में डालते, तो ये एकदम वाइब्रेंट ग्रीन बनी ना चटनी हमारी। ये सारी प्रिपेरेशन कर लीजिए। ये देखिए, सबसे पहले तो ब्रेड है, ये 2 ब्रेड मैंने निकाल लिए हैं सैंडविच के लिए। ये है गोल गोल पहिए की तरह, मैंने एक प्याज काट ली है। ये है शिमला मिर्च गोल गोल काट ली है पहिए की तरह। ये टमाटर मैंने पतले पतले बारीक काट लिया, और वो खीरा है, काकड़ी, उस सारी चीज़ों को गोल गोल पहिए की तरह काट लीजिए बारीक बारीक। ये है बीटरूट, इसे है ना मैंने बॉईल किया है थोड़ा, और इसके मैंने छोटे छोटे पहिए टाइप कर दिए छीलने के बाद। आप चाहे तो बिना पकाया हुआ भी कच्चा भी डाल सकते हैं इसके अंदर, मुझे पसंद नहीं है इसके लिए मैं कच्चा नहीं डाल रही हूँ। और वो आलू थे बॉईल करें उसको भी छील के बारीक पहिए कर दीजिए। ये जो चटनी हमने हरी वाली बनाई है ये वो है, ये आप देख सकते हैं मक्खन है, मस्का, ये थोड़ी सी काली मिर्चों का पाउडर है, नमक है, और ये है चाट मसाला जो थोड़ा थोड़ा हम स्प्रिंकल करेंगे। अच्छा, आपके पास सैंडविच मसाला हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, बट मैं हमेशा चाट मसाला डालती हूँ। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर बढ़िया सा मक्खन लीजिए और ब्रेड के ऊपर ज्यादा मक्खन लगाइए, कम नहीं, कंजूसी नहीं करनी है, बढ़िया सा ज्यादा ज्यादा मक्खन लगाना है जैसे बाहर भैया जी लोग कैसे लगाते हैं। तो ये दोनों के ऊपर मैंने ब्रेड के ऊपर मक्खन एकदम ज्यादा ज्यादा लगा दिया है। अब ये जो हरी चटनी हमने डालकर रखी है ये भी इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रेड कर दीजिए इस तरीके से। वो लोग क्या करते हैं कि ज्यादा स्पाइसी बनाते हैं मिर्चियां डालकर, 8-10-15 मिर्चियां डालकर, सो दैट यहाँ है ना ये हरी चटनी का स्पाइस मिले और कम कम लगा पाए उन लोग कि ये जो नीचे का ब्रेड सॉगी ना हो जाए, लेकिन मैंने स्पाइस कम रखा है जैसे मैंने आपसे कहा। चलिए, अब एक के ऊपर मैं टमाटर इस तरीके से 3-4 पीसेस रख रही हूँ, दूसरे ब्रेड के ऊपर इस तरीके से खीरों की लाइन लगा दीजिए, 2 लाइन 3 लाइन जैसे आपको सही लगे। उसके बाद थोड़ा सा सबके ऊपर नमक डालिए, थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर ये दोनों सब्जियों के ऊपर डालिए, और थोड़ा सा चाट मसाला अच्छे से स्प्रिंकल कीजिए, अच्छे से डालिएगा चाट मसाला। फिर वहां मैं फिर से खीरे के ऊपर प्याज की एक लाइन लगा रही हूँ, और यहाँ टमाटर के ऊपर आलूओं की लगा रही हूँ।
आलू लगाने के बाद सारे लगा दें तो फिर से थोड़ा सा नमक डालिए, काली मिर्चों का पाउडर डालिए और चाट मसाला डालिए। हर एक स्टेप के बाद आपको नमक, काली मिर्चों का पाउडर और चाट मसाला डालना है। चाट मसाला मैं हमेशा थोड़ा ज्यादा डालती हूँ मजेदार चटपटा सा टेस्ट आने के लिए। चलिए अब इसके बाद इसके ऊपर हम डाल देते हैं प्याज वाले ब्रेड के ऊपर, यहाँ शिमला मिर्च की लाइन लगा देती हूँ, तीन डालिए चार डालिए, और ये जो आलू है इनके ऊपर मैं ये बीट रूट की लाइन लगा देती हूँ, अगेन चार डालिए, पांच डालिए, छह डालिए, अगेन इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालिए, दोनों के ऊपर काली मिर्चों का पाउडर डालिए और चाट मसाला डालिए। चाट मसाला बार बार डालिए और अच्छे से डालिएगा। चलिए अब साइड बाय साइड है ना, मैंने एक तवे को गर्म करने के लिए रख दिया है और थोड़ा सा मैं मक्खन लगा देती हूँ, और अच्छा गर्म हो गया तो मैंने स्लो कर दिया है। अब ये जो दोनों हमने लगाए इन दोनों को इस तरीके से बंद कीजिए, थोड़ा सा हल्का प्रेस कीजिए। अब ये सैंडविच को ये गर्मा गर्म तवे के ऊपर बीच में रख दीजिए। चूल्हा मैं मीडियम आंच कर देती हूँ क्योंकि अच्छा गर्म हुआ था, उसके बाद मैंने स्लो आंच किया था। चूल्हा मीडियम आंच करने के बाद एक स्टील की वाटी लीजिए, प्लेट, और उसे इस तरीके से सैंडविच के ऊपर रखिए और हल्का सा प्रेस कीजिए और इसे पकड़े रहिए दो तीन मिनट के लिए। ये देखिए दो तीन मिनट के लिए पकड़े रहिए मीडियम आंच पर। जब दो तीन मिनट हो जाती है तो ऊपर मक्खन लगाइए, अच्छे से मक्खन ज्यादा लगाइएगा, और अच्छा मक्खन लगा ले तो इसे पलट दीजिए क्योंकि पीछे का साइड अच्छा लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। पीछे का साइड मक्खन लगाने के बाद फिर से ये जो स्टील की प्लेट है उसके ऊपर रखिए तो अच्छा ग्रिलिंग इफेक्ट आएगा ना, और ऊपर उन लोगों का ढक्कन ढका हुआ होता है ना ग्रिलर से, हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं, तो या फिर आप स्पैटुला की मदद से उसे प्रेस करें या फिर मेरी तरह ये जो स्टील की प्लेट है उससे प्रेस करें और दो तीन मिनट उसे पीछे की साइड भी पकने दीजिए। प्रेस करते हुए हल्का सा प्रेस प्रेशर दीजिएगा, टोटल 5-6 मिनट तक पकने दें, एक साइड से 2-3 मिनट और दूसरे साइड से 2-3 मिनट तक पकाएं मीडियम आंच पर, और इस तरीके से थाली से हल्का हल्का प्रेस करें। अगर आपको लगे कि पीछे का साइड अभी भी थोड़ा सा और आपको ग्रिल करना है तो पलट दीजिए बेशक, और फिर से थोड़ी सी थाली रखिए आधे एक मिनट के लिए, और प्रॉपरली ग्रिल हो जाए तो इन्हें निकाल लीजिए और इनके क्विकली चार करें या छह करें, जितने आपको पीसेस करने हैं पीसेस कीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगाएं और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो बन गया गर्मा गर्म मजेदार सा सैंडविच, मैं खाके देखती हूँ एक। बिस्मिल्लाह, चलिए आई बोलिए बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह माने आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही मजेदार है। घर में बनाएंगे सच्ची में उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बाहर का खाना भूल जाएंगे, इतना मजेदार बना है। चलिए इसी तरीके से मैं सारे सैंडविचेस बना लेती हूँ, हर किसी की अलग चॉइस है। कोई बोल रहा है आलू डालो, कोई कहता है टमाटर नहीं चाहिए, कोई कहता है वो मत डालो, तो वही बस मैं बना रही हूँ फैमिली के लिए। अच्छा एक दो पॉइंट शेयर करनी थी, चाट मसाला ज़रूर डालिएगा, और दूसरी बात ये कि आपको ज़रूरी नहीं है कि मैंने आलू डाला है ये स्टेप में तो आपको भी वही स्टेप में डालना है, ऊपर नीचे कर सकते हो, सब्जियाँ कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हो। जैसे आपने कोई सब्जी नहीं डालनी और मैंने डाली है तो आप स्किप कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हरी चटनी है आप यही वाली बनाइएगा तो इसका जो पानी है वो छूटता नहीं है। दूसरी बात ये है आप सुबह में बनाइएगा और शाम को सैंडविचेस के अंदर डालिएगा, सो दैट जो सारा ये जो डाली हुई जो हमारी इंग्रेडिएंट्स है वो एक दूसरे में इन्फ्यूज़ हो, और ये जो स्पेशली चने की दाल है ना वो सारा पानी सोक कर ले और चने की दाल का फ्लेवर नहीं आएगा। नहीं तो आप उसी समय बनाओगे और उसी समय सर्व करोगे तो बेशक चने की दाल का फ्लेवर आने के चांसेस है। तो चलिए ये मैं फ्राई ग्रिल कर रही हूँ और बढ़िया से। अच्छा मेरे पास तो ये थोड़ा ग्रिलिंग वाली ये है तवा, आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, सिर्फ मार्क्स नहीं आएंगे, बाकी तो हमारे नॉर्मल तवे में आप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मक्खन नीचे लगा दीजिएगा और इसी तरीके से ग्रिल कर लीजिएगा। चलिए ये दोनों भी बढ़िया से, ऐसा लग रहा है ना कि ग्रिलिंग मशीन के अंदर ही बन के निकले, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने तवे पे बनाया है ना, एकदम बढ़िया से मजेदार। इन्हें निकालती हूँ, इनके पीसेस करती हूँ, ऊपर मक्खन लगा के गर्मा गर्म इसे सर्व करती हूँ। वैसे सच्ची बात बताऊं तो मैंने वो जो हरी चटनी है ना उसके साथ सर्व ही नहीं किया क्योंकि जरूरत ही नहीं लगी, इसके अंदर अच्छे से मैंने चटनी हरी चटनी डाल दी थी तो मजा ऐसे ही आ रहा था, तो हमने हरी चटनी के साथ नहीं सर्व किया। आप चाहें तो हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने पता है आपने क्या करना है, आपने अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरे ये लिंक्स शेयर करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
बाय बाय, एंजॉय सैंडविचेस।